हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो डाला नहीं, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था तो बहुत सारा काम होता है ऑफिस में, तो फाइनली ऑफिस का काम छोड़ के अभी हम लोग निकल पड़े हैं एक नया ट्रैवल डेस्टिनेशन पे। तो एक नया सीरीज आने वाले हैं, आप देखते हैं। अभी हम गुवाहाटी एयरपोर्ट में हैं, और गुवाहाटी एयरपोर्ट से गुवाहाटी कोलकाता जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे आइलैंड पे, आप बने रहिए। चलिए हम लोग का बोर्डिंग का टाइम है। शीघ्र अपने निर्धारित काउंटर पर जाए, धन्यवाद। रिक्वेस्ट अटेंशन प्लीज, पैसेंजर्स टू कैंडी टेक देयर एलोकेटेड सीट्स एज सून एज पॉसिबल प्लीज, थैंक यू। गाइस, फिलहाल हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट। उसके बाद यहां से हम लोग का डायरेक्ट फ्लाइट है। जैसे मैंने गुवाहाटी एयरपोर्ट में बोला कि हम लोग एक आइलैंड में जा रहे हैं, सो वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। सो इस ट्रिप ऑल अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो मैं और विताली दोनों जा रहे हैं। 5-6 डेज का ट्रिप रहेगा, आप पूरा वीडियो देखो। और पहली बार जा रहा हूँ अंडमान, जैसे दादर नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वैसे ही अंडमान निकोबार इज यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। सो और वो बहुत ही फैसिनेटिंग प्लेस है, तो जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और इस ट्रिप का मैंने एक नाम दिया है, उसका नाम है कि डिस्कवरिंग इंडिया। जैसे हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे थे कि हमारे इंडिया में भी इतना ज़्यादा जगह है कि हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करते और बाहर जाते हैं, जाके वो जो बाहर का जो बीचेस है उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सेम इंडिया में भी है और हम लोगों को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सो पिछले एक डेढ़ महीने से हम लोगों ने वीडियो नहीं दिया था, क्योंकि जैसे बहुत ऑफिस का काम रहता है। लेकिन अभी हम लोगों ने टाइम निकाला है और फिर से ट्रैवल स्टार्ट किया है। तो अभी फिर से हम लोग का फ्लाइट है मॉर्निंग 5 o'clock। मॉर्निंग 5 को फ्लाइट है डायरेक्टली टू पोर्ट ब्लेयर, जिस क्योंकि कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये तीनों जगह से फ्लाइट मिलता है पोर्ट ब्लेयर तक। सो इस तीन एयरपोर्ट से ही जाता है। तो हम लोग का कोलकाता से है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। विताली थोड़ा रेस्ट कर रही है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा चाय पी लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत है हम लोग के पास। मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद सुबह का दिखाएंगे। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, पोर्ट ब्लेयर पे। ये अंडमान का एकमात्र एयरपोर्ट है। सो हम लोग लगेज लेते, उसके बाद जाते हैं हम लोग का होटल पे। सो अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, होटल जाएंगे। हम लोग का होटल का नाम है आइसलैंड क्लिफ, वो एमए रोड पे है। और तापमान अच्छा है, टेम्परेचर 30 डिग्री है, ज़्यादा गर्म नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि व्यूज़ जो है थोड़ा क्लाउड था, इसलिए व्यूज़ इतना आया नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया था बाहर का। थोड़ा मैंने लिया है क्लिप, वो आपको वीडियो में शायद ऑलरेडी दिख गया होगा। सो जर्नी बहुत टायर्ड था ना इताली। सो चलिए, नीट एंड क्लीन है एकदम। सुबह 5 बजे काम में लग जाएंगे यहाँ सब लोग ना। हाँ, झाड़ू ये सब देखिए, रोड देखिए एकदम साफ रहेगा। एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है, अंदर भी बहुत साफ सुथरा है। अभी 4 महीने ही होता सर नया एयरपोर्ट ना। पुराना एयरपोर्ट तो बंद करके फिर इसको खोला। सो दोस्तों, हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। ये कॉजी सा आइसलैंड क्लिफ बोल के होटल हम लोगों ने लिया है। एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, होटल से एक व्यू है आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग बोलना कैसा लगा है होटल से व्यू। लुक एट दिस व्यू गाइस,
ये हम लोग का होटल से व्यू है और यहाँ से हम लोग कल जाएंगे हैवलॉक के लिए। ये है होटल से व्यू, बहुत ही सुंदर है। मेन सिटी में ही है, एयरपोर्ट से हम लोग को 10 मिनट लगा। बिल्डिंग बंद है, एयरपोर्ट से बगल खुला है नया सा। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं और ये पुराना सिनेमा हॉल है अंडमान का, बहुत पुराना सिनेमा हॉल बंद हो चुका है। पिक्चर देगा 5 रुपया में, पिक्चर देगा इसमें 5 रुपये में, 5 रुपये में सेफ। हम लोग का भैया बोल रहे हैं 5 रुपये में पिक्चर देखे थे इस हॉल में, तो अभी हम लोग को भैया लेके जा रहे हैं। 5 रुपये बोलने से टिकट था सर, जो पिक्चर पसंद है वो डालो बोलने से उसको 10 रुपये देना, एक्स्ट्रा उसको देगा, जो पिक्चर पसंद है वो डालेगा। हम लोग 10-15 लड़का जाएगा, स्कूल से छुट्टी होगा बस पिक्चर देख के फिर घर। ऐसा था लेकिन स्कूल लाइफ तो नहीं आएगा, नहीं आएगा स्कूल लाइफ सही में। पूरा लड़ाई उड़ाई भी करेंगे दोस्त लोग, लेकिन अगला दिन देख लिया फिर दोस्त। ये मेन सिटी है मैडम, हम लोग कुछ भी सामान लेना है, हाँ हम लोग कुछ भी लेना है यहाँ आना पड़ेगा सर, फोटो कर लीजिए ऐसे। हाँ वही शॉपिंग मॉल छोटा सा है मैडम, बड़ा नहीं है। आपको उधर की तरह नहीं है, 6 तला 7 तला 2 तला 3 तला का है, इसीलिए इतना क्लीन है मेंटेन। हाँ ज्यादा जितना बिल्डिंग बनेगा। और चोरी उरी तो बिल्कुल नहीं है, लड़की व छेड़ा छेड़ी ये सब नहीं है, पुलिस एकदम स्ट्रिक्ट है। और 40-50 का स्पीड में गाड़ी चलाना। सब भैया है क्या है स्टेडियम है ना? ओ ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम है। यहाँ में गाड़ी पार्क नहीं करना, पीछे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का। ये सेलुलर जेल है ना, ये देखिए पीछे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो हमारे सामने ये सेलुलर जेल है। टिकट लेना पड़ेगा ना? हाँ पहुँच गए सेलुलर जेल। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखो पसीना कैसे आ रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम लोग आए हैं सेलुलर जेल, तो देखते हैं सेलुलर जेल। बहुत पुराना जेल है जिसको काला पानी बोलते थे, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। और हम लोगों का जितना भी फ्रीडम फाइटर्स है उनको यहाँ पे रखे थे, कैसे वो लोग यहाँ पे सर्वाइव किए थे, तो वो देखेंगे। ये वाला टिकट काउंटर है सेलुलर जेल का, तो टिकट काउंटर है। तो ये बाहर का ऐसे नज़ारा है, एक चीज दिखाता हूँ, ये सामने वीर सावरकर जी का पार्क है। तो चलिए हम लोग टिकट लेते हैं अभी पहले। तो ये है बाहर का सेलुलर जेल, बाहर से ये है बाहर से सेलुलर जेल का नज़ारा। बहुत ही गर्मी, मतलब टेम्परेचर 34 डिग्री है, लेकिन ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। ये वीर सावरकर जी का पार्क है, यहाँ पे सबका बाबा ये पंडित राम खरवा, महावीर सिंह सबका मूर्ति बनाए रखा हुआ है, इंद्रभूषण राय जिन लोगों ने बलिदान दिया था, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स का बना के रखा है। हम लोग आएंगे अगर टाइम मिले तो यहाँ पे देखने के लिए। ये दामोदर सावरकर जी हम लोग का, चलिए टिकट लेते हैं अभी, क्योंकि वो लंच टाइम था इसलिए टिकट नहीं ले पाया। और ये हमेशा ध्यान में रखना, एक बजे तक लंच टाइम रहता है, 1 बजे के बाद टिकट मिलता है। सो ट्राई टू कम आफ्टर 1 PM और बिफोर 12 नून। सो हम लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो हम लोग सेलुलर जेल में अंदर आ चुके हैं। तो इसको काला पानी क्यों बोलते थे पहले, काला पानी क्योंकि संस्कृत में जो बोलते हैं काल का निगेटिव मीनिंग होता है काला पानी,
और इसका मीनिंग होता है कि प्लेस ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ, तो इसीलिए इसको बोलते थे। और एक चीज़ है, इसमें सेवन विंग्स है, सेवन विंग्स इंक्लूडिंग 693 सेल्स। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा है ये विंग्स, दो विंग्स ही मेरे सामने हैं, तो आप सोच सकते हो कितना बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखा है इस जेल ने। और 1943 में जब जापानीज थे यहाँ पे अंडमान में, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अंडमान विजिट किया था। 1943 का दिसंबर होगा, आई थिंक सम 19 दिसंबर टू 30 दिसंबर समवेयर, बट आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट दिसंबर में ही फर्स्ट टाइम 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे विजिट किया था। तब यहाँ पे जापानीज थे और यहाँ पे क्या करते थे, बाद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे सबको लेके आते थे और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है उनको यहाँ पे रखते थे। और जितना टॉर्चर शायद उन लोगों ने सहा होगा, तो वी कैनॉट इमेजिन। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आदमी है या जिंदा है या मर गए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कहाँ जाएंगे। और इतना छोटा छोटा सेल्स है और उसका भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जो सेल्स का मतलब जैसे सेल्स को बनाया गया था, मैं एक सेल्स दिखाऊंगा आपको सेल्स को कैसे बनाया गया, वो लोग भाग भी नहीं सकते, तो ऐसे सेल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था। आप देख सकते हो उसका कंस्ट्रक्शन, ये तो दो विंग्स दिख रहे हैं, सेवन विंग्स है टोटल। आप सोचो कितना बड़ा होगा ये 693 सेल्स। तो एक आपको एक सेल का दिखाते हैं कैसे होता है। इतना छोटा सा रूम में देखो आप, कितना छोटा, कुछ भी नहीं है। देखो आप कैसे रहे होंगे सब लोग, यहाँ से शायद खाना देते थे, और यहाँ से खाना नहीं, यहाँ से समझ में आ गया। देखिए ये लोग भाग भी नहीं सकेंगे, देखिए ये अगर बंद हो गया, ये बंद हो गया, कुंडली इधर से होता है, देखो ये वाला कुंडली इधर है, और यहाँ से, तो यहाँ से अगर हाथ भी निकालोगे आप तो ये कुंडली ये नहीं पकड़ पाओगे, तो भागेंगे कैसे। तो ऐसे छोटे छोटे सेल्स में 693 सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे रखे थे सबको हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स सारे लोग। देखो आप कुंडली देखो कहाँ पे होता है, यहाँ पे एंड ये वाला डिस्टेंस देखो आप, तो यहाँ पे कोई भी नहीं भाग सकेंगे। सो ऐसे ये बहुत दूर तक ये सारे सेल्स हैं। तो हम लोग का सावरकर जी को सेकंड फ्लोर में रखे थे। सो ये वीर सावरकर सेल है। सो हम लोग वीर सावरकर जी के सेल्स में जाते हैं। कहाँ पर देखिए ना, ये कैसे था ये वाला कैसे था, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे भी सारे सेल्स, ये सारे सेल्स इधर भी है, इधर भी है, ये भी है। अंडमान में ना एंडेमिक बर्ड्स बहुत है। सो मैंने एक देखा है अभी, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वीर सावरकर जी कहीं पे तो थे, देखते हैं कहाँ पे थे, कौन सा। बहुत सारा सेल्स है यहाँ पे, वीर सावरकर जी का सेल कहाँ है वो तो ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन बर्ड्स बहुत है यहाँ पे मैंने देखा है। जो बर्ड्स जो हम लोग जाएंगे आइलैंड्स पे, वहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स हैं ऐसा। ये हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स का 1932 से 1938 कौन कौन थे, उसके बाद ये 1932 से 1930 कौन कौन थे, बहुत सारा उनके सारे नेम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग, सारे फ्रीडम फाइटर्स। सैल्यूट टू ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट एंड
उनकी वजह से हम लोग आज आजाद है। सैल्यूट टू डोज ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स। आपको मतलब गूज़बम्स आ जाएगा ये सेलुलर जेल देख के। बाहर से तो ऐसे लगते हैं जेल है क्या जेल, लेकिन जब आप अंदर आओगे ना आपको लगेगा कहाँ थे हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स। देखिए कैसे है बाहर से, 7 विंग्स। मैंने तो अभी 2 विंग्स ही कवर, एक ही विंग्स ही कवर किया है, तो शायद 7 विंग्स नहीं होगा। अभी हम लोग रॉस आइलैंड जा रहे हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, शाम को फिर से आएंगे यहाँ पे। हम लोग का लाइट एंड लेजर शो है वो देखने के लिए। सो दोस्तों अभी हम रॉस आइलैंड जा रहे हैं बोट पे। बोट पे एक जन का 370 लिया। ये सारे लोग जैती पे जा रहे हैं, सभी लोग बोट आ गया है। सो ये छोटा छोटा, ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है, देखिए यहाँ पे। दोस्तों हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पहुंच चुके हैं। इसका नाम 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया था। रॉस जो डेनियल रॉस के नाम पे था उसको चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे दिया गया है। सो अंदर जाते हैं, टिकट खरीदना पड़ेगा। और ये जापानीज बंकर है। सभी जगह आप डियर देखो, सामने से ये एक डियर आ रहा है। हेलो डियर, हाय डियर, हाउ आर यू डियर, कैसे हो डियर। एक पिकॉक है देखो, इतना दूर वो देखो पिकॉक, वो वाला पिकॉक। सारे डियर्स के पास पिकॉक देखो, ये आ रहा है, ये सारे डियर्स, ये है, ये देखो, पीकॉक आ गया पास में। हाय पीकॉक, हेलो, ये देखो जैकेट पहन के जा रहा हूँ। खत्म हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का ट्रिप, अभी वापस जा रहे हैं। 5 मिनट्स लगता है वहाँ से यहाँ तक, तो 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों वेरी गुड इवनिंग, अभी तक मेरा ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग सेलुलर जेल में लेज़र लाइट शो देखने के लिए आए, जैसे हमने बोला था। सो ये लास्ट रहेगा, उसके बाद कल का सेकेंड डे का क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं अंदर जाके दिखाऊंगा कि कैसे होता है लाइट शो, और जो
मतलब हम लोगों का जो फ्रीडम फाइटर्स ने जैसे किया था, जैसे ब्रिटिश के साथ फाइट किया था, और उनका जो उनको जो यहाँ पे रखा हुआ था, उनको कैसे टॉर्चर किया है, सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पे लाइट एंड लेजर शो में। तो बाहर का भी देखो कैसे करके रखा हुआ है। कितना हुआ था एक्चुअली पर पर्सन टिकट में? पर पर्सन 300 लेता है, हम लोग का 750 का है बुकिंग। 750 का है, मतलब 750 पीएम का, 750 पीएम का हम लोग का है शो। तो लोग बहुत है यहाँ पे। ये है जैसे सुबह हम लोगों ने देखा था वीर सावरकर पार्क, तो यहाँ पे भी लोग फोटो खींच रहे हैं। तो अंदर जाते हैं, चलिए। तो दोस्तों लाइट शो खत्म हो चुका है, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं था तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गूस बम्स आ गया दोस्तों। मतलब आज़ादी के लिए जो उन लोगों ने किया, हम लोगों का फ्रीडम फाइटर्स ने, बहुतों का तो नाम ही गायब हो चुका है हिस्ट्री से। अभी पता चल रहा है नाम पिछले कुछ सालों से, जैसे सावर जी, वीर सावर जी का नाम, वीर सावर जी का नाम तो गायब ही हो चुका था, लेकिन अभी अभी तो उनका नाम आ रहा है, अभी पता चल रहा है वीर सावरकर जी कौन थे। तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा आ गया। और जो कठिनाई हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स ने सहा है, सैल्यूट टू दोज फ्रीडम फाइटर्स। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलो बाय बाय, गुड नाइट।